तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जेपी एसोसिएट के स्टॉक के बारे में। जेपी एसोसिएट के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इसी वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने स्टैंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 5.10% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 6.72 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 5.56 और 4.14 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 8.10 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 10 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 12 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 16 और 20 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग्स नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।